62वां सूत्र पढ़ेंगे। न तदसिद्धौ लोकव्यवहारो हेयः किन्तु फलत्यागः। तस्य बहुत महत्व का सूत्र है। जब तक हमारे अंतकरण में चिंता है तब तक के हमारे हृदय में भक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ। भक्ति जब प्रकट होती है ना तो चिंता समाप्त हो जाती है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है पहली बात, तब चिंता नहीं होती। अन्यथा ऐसा होगा और एक गिराई कुर्सी पर बैठा, उसको वो व्हाइट वॉश कर रहा था, दूसरा गिराई आया उसको दूसरी कुर्सी पर बैठाया, थोड़े समय के बाद उस हजाम का पुत्र आया और उसने कहा, पापा पापा आप कई दिनों से कह रहे मुझे सिखाओगे सिखाओगे, कब सिखाओगे, मैं करूं आज ट्राई। तो पापा कहते, देखो बेटा ट्राई करो, कोई वो जो वस्त्र आए ना बहुत तेज है, वस्त्रा उस बच्चे के हाथ काट ले और वो हाथ जो है पूर्ण गारंटी होती है, तभी हम निश्चिंत हो जाते हैं। देखो तो जीवन में चिंता का नहीं होना का तात्पर्य है, इसका स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारे भलाई के लिए है। ये महत्व राजा का पुत्र राजा बना, जो बूढ़ा मंत्री था उसको एक ये टेक लगी रहती थी। वो नया नया ताजा राजा चल रहा था, बड़ा बड़ा वो गाउन पहन के पैर अटका और नीचे गिर पड़ा, पूरे का पूरे नीचे आ गया स्टेप से। तो ये महात्मा जी बूढ़ा, चलो अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी दया है। अरे उसको इतना गुस्सा आया कि क्या कर दिया है, मुझे लगा है उंगली टूट गई है, भगवान की दया है, चलो इसको ले जाओ जेल में, इसको जेल में बंद कर। खड़ा कर दिया तो पंडित ने कहा ये भोग झूठा है, ये पूर्ण नहीं है, तो इसको मत मारो, इसको वापस कर दो। तो जो उंगली टूटी थी उसके कारण उसका बलि नहीं चढ़ा। देखो तो आकर कहते, हाँ बुढ़ाओ ने जो कहा था ठीक ही लगता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं तो आज तो मरवा डाले थे। फिर पहुंचता उसके बाद जेल में, भाई ये तो समझ में आया कि मैं तो बच गया, लेकिन तुमको मैंने जब जेल में डाला तब भी तुमने यही कहा था कि चलो भगवान की बड़ी कृपा है, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे क्या अच्छा हुआ। आवाज है मोबाइल की, भगवान के शंख चक्र गदा पद्म चार होते हैं ना, उसमें जो शंख है वो मोबाइल है, रिलायबल मोबाइल। रिलायंस का अलग होता है, ये रिलायबल है। और जब भी वहां से डायल आता है यही है, द कस्टमर दैट यू हैव ट्राइड टू कॉन्टैक्ट इज आउट ऑफ रीच, कहां गया और संसार में भटक रहा। अरे राम, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो फोन को नीचे रख देते, लेकिन हमारे भगवान की लीला और है। उनके पास दूसरा अस्त्र है, हाथ में गदा, ऐसा एक लगता है झटका, अब तो समझो। लेकिन कई बार बच्चों को हमेशा मारते रहो ना
तो मार खाके खाके वो एकदम बेडर निडर हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग दुख की आदत होते होते ऐसी मोटी चमड़ी हो जाती है कि दुख खाने की आदत हो जाती, बदलेंगे नहीं। लेकिन ध्यान से सुनना, भगवान का भक्त होना माने भगवान की मर्जी को पहचानना और भगवान की मर्जी को पहचान के उनके मर्जी के अनुसार चलना। अब सवाल ये, भगवान की मर्जी क्या है? हे विले अनंते तैसे ची रहावे चित्ती असुद्यावे समाधान, ये भगवान की मर्जी है। भगवान ने हमको जहां रखा है वहां समाधान पूर्वक निश्चिंत होकर के बड़े प्रेम से रहो, ये भगवान की मर्जी है। भगवान ने हमको परेशान करने के लिए थोड़ी बनाया है, उसको कुछ काम नहीं था, चलो इसको बना करके इसकी टांग तोड़ देंगे, क्यों देखते कैसे लटकता है। कोई भगवान कोई वहां सैडिस्ट है क्या? देखो जैसे हम कपड़ों को डालते हैं मशीन में धोने के लिए, तो उसमें कपड़ों को डालने के बाद ऐसा कर देगा, अब देखो गर्म पानी आएगा आएगा आएगा, आ गया गर्म पानी। उसके बाद उसके ऊपर में खूब सारा एकदम तेज तेज डिटर्जेंट डाल दो, उसको खूब घुमाओ, चक्कर काट रहा, मजा आ रहा है। हाँ, उस कपड़े को परेशान करने के लिए थोड़ी मशीन में डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि उसको फिर से प्रयोग में ला सके। हमारे अंतकरण में यह जो भगवान के प्रति अविश्वास है, इस अविश्वास के कारण ही दुख है, और इसको हटाने के लिए भगवान की सब प्रक्रिया चलती है। कई बार ऐसे दाग पड़ते हैं कि जिसको साबुन से सोप से डिटर्जेंट से नहीं निकलता, फिर उसके लिए सेपरेट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, एक स्प्रे ला करके रगड़ो। हमारे स्वामी जी कहते थे, एक उदाहरण देते थे, एक बच्चा है बहुत गंदा हो गया है और माँ उसको धुलाना चाहती है और उसको लेकर के अपने गोद में साबुन से रगड़ रही है, मिट्टी निकलती नहीं, दाग निकलते नहीं, तेल निकलता नहीं उसके चेहरे, क्या क्या लगा लिया इसने। और फिर आवश्यकता पड़ती है कि जब तक के सैंड पेपर लेकर के नहीं रगड़ेंगे। और जब वो माँ सैंड पेपर लेकर के उसके चमड़ी को रगड़ती है, उस समय उस बच्चे को देखो, वो सोचता है कि जीवन में राक्षसी नाम की कोई चीज हो तो मेरी माँ। लेकिन वो सुनेगी थोड़ी हो, उसको तो रगड़ना है। इसलिए लोकहानव चिंता न कार्या, ये अंतिम सिद्धांत है भक्ति का। जीवन में यदि हमारे चिंता है तो हम जिंदे ही चिता पर चढ़े हुए हैं। चिंता और चिता दोनों सगी बहने हैं, जुड़वी है, क्यों दोनों जला और जो चिता है वो जिंदे जला दोनों। इसका तात्पर्य ये नहीं कि एकदम बात स्वामी जी लिखते जिसने फक्की का तात्पर्य होता है, ये भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं जैसे हलवा जिसको कहते हैं, उसमें घी पानी डाल करके बड़ा ऐसा नरम होता है, उसमें पानी भी नहीं डालते और घी भी नहीं डालते, जो चूरा होता है और उसमें उसको फक्की कहते हैं। तो कहते हैं फिकर फाकी फकनी करे, जिसने फिकर की फकनी कर ली है, ताको नाम फकीर, माने जिसके जीवन से चिंता हमेशा के लिए मिट गई है, उसके लिए यह सूत्र नहीं है आने वाला। तो आपका जीवन निश्चिंत नहीं हुआ है तो कहते हैं तद असिद्ध, तद माने चिंता का अभाव, व्यवहारो न हे यहां। हमारे जीवन में जो लोक व्यवहार है उसको क्या हो जाएगा?
जी का स्मरण बना रहना चाहिए था। ये नदी के किनारे छप्पर डालकर रहते थे। 38 दिन उनके बहुत अच्छे बीते। 38वीं रात को उनकी झोपड़ी पर दे दो, नहीं तो हम तुमको पीटेंगे। वे डर गए, चोरों को सब कुछ उठाकर ले जाने दिया। अब भजन करने बैठे तो हनुमान जी का स्मरण हो, मन में डंडा और चोर दिखे, स्मरण में विघ्न पड़ गया। फिर उनके बाद उन्होंने दूसरा अनुष्ठान शुरू कर दिया। इस बार नर्मदा जी के बीच में मचान गाड़कर छप्पर डाला और अपने पास कोई सामग्री नहीं रखी। इस बार भी 38 दिन ठीक से बीते। 39वीं रात्रि को उन्हें लगा कि नर्मदा जी में बाढ़ आ रही है, जल उनके मचान को स्पर्श करने लगा है, लगता है कि मचान टूटकर बहने वाली है। अंत में वे मचान से कूद पड़े, कूदने पर देखा नर्मदा जी का जहां था वही है, बाढ़ आई ही नहीं। अब डर लगा कि ये क्या है। विरक्त होकर भ्रमण करने लगे तो उनके पास केवल एक लकड़ी का कमंडलू था। गंगा किनारे विचरण कर लगभग 3-4 मील दूर नगर की विपरीत दिशा में एक शूल टंकेश्वर स्थान नेति नेति दिवाक्केन शेषितं यत् परं पदं निराकर्तुं अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। अंतिम उपदेश शिवजी ने दिया, बाबा को यही दिया उपदेश। क्या दिया? न इति न इति वाक्केन का त्याग करने के बाद ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि जहां त्याग की संभावना नहीं है। इसीलिए निराकर्तुम अशक्यत्वात्, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता है वह परमात्मा है, और जो पकड़ में नहीं आता वो जगत है। और हम करते क्या है? एग्जैक्टली उल्टा। जगत को पकड़ने को करते हैं और भगवान से भागने को करते हैं। दोनों असंभव है, और इस असंभवता के कारण जीवन में दुख आता है। इसीलिए अपने जीवन में यह निश्चिंतता तब आती है, उसके बाद फिर हमको लोक व्यवहार इत्यादि से कोई मतलब नहीं। तब तक के अपनी साधना, अपना धर्म पालन, अपना नाम स्मरण, अपनी पूजा पोथी कभी इसका त्याग ना करे। लोक व्यवहारो ना है यहा। उसी प्रकार से अब आप में सभी लोग मुख्य रूप से गृहस्थ है, गृहस्थी में रहना है तो गृहस्थी पने का नाटक करना सीखो। आप लोग क्या करते हो? साधना का नाटक करते हो। और जो गृहस्थी है उसमें सीरियसली रहते हो? अरे उल्टा करो ना। देखो, महात्मा में और साधारण व्यक्ति में यही फर्क होता है। महात्मा लोग अपनी साधना स्वयं करते हैं, गृहस्थी भगवान पर छोड़ देते हैं, वहां नाटक चलता है। और हम लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। इसीलिए लोक व्यवहारो न है यहां, जो कुछ करना है करते जाओ, ऐसे ही चलता है। जहां आप सीरियस नहीं होते ना, तो आपके अंतकरण पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। सत्संग कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
कितने महात्मा आकर के फूंक के चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए योग व्यवहार न है यहां, इस जगत में बस चलते रहो, सब कुछ करना ही पड़ता है। अब ये लोक व्यवहार कैसा करें? हमारे रामानुजाचार्य जी के जीवन की कथा में आता है कि उनके काफी बच्चे थे और वो अपने सभी बच्चों की सेवा करते थे। सेवा करते थे माने उसी भाव से कि भगवान ही हमारे घर में पधारे हैं, उनकी सेवा करना। जब हम अपने जीवन में अपने सभी कार्यकलापों को सेवा के दृष्टि से करेंगे तो आपके जीवन में बोझा नहीं होगा। देखो एक उदाहरण दूं आपको। एक अम्मा है हमारी और अच्छा घर है, सब कुछ बढ़िया है। अब उनकी जो पति की बहन है वो बचपन से ही जरा वो स्लो लर्निंग चाइल्ड, जिसको कहते हैं स्पास्टिक 11th क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, वो उसकी है। अब उसका क्या हो गया है कि वो जब तक उसके माँ बाप जिंदा थे तब तक तो माँ बाप के साथ रही, और माँ बाप जब मरे तब उनको फिक्र लगी अब इस बच्चे का क्या होगा, कौन देखेगा। तो अपने बड़े लड़का और उसकी बहू, उसको कहा कि मेरा दिल अब सिर्फ एक चीज में अटका हुआ है। तो उस लड़के ने कहा और बहू ने कहा कि बाबूजी आप कुछ फिक्र मत करना, इसकी जिम्मेदारी हम पर, हम जीवन के आखिर क्षण तक उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप फिक्र मत करो। और फिर उन्होंने देह त्याग लिया। अब ये जो लड़की जो है स्पास्टिक टाइप की, वो रहती है घर में, जो मर्जियां करती है, नौकरों को डांट, इसको पीट, और जो खाए खाए, नहीं खाए ये तोड़ा वो तोड़ा। और हम जब उनके यहां गए सब लोग आके नमस्कार चमत्कार करेंगे, वो दूर खड़ी रहेगी, सब लोग उसको क्यों नमस्कार करें, अकेले को हमको नहीं करते, इस प्रकार से उनका व्यवहार। तो सब कुछ होने के पश्चात खाना वाना खा लिया हम, फिर वो हमको अपने कमरे में ले गए, स्वामी जी हमारा पूजा का रूम देखो, वहां गए हम। फिर हम पूजा में 10 मिनट बैठे वहां थोड़ा बहुत, और फिर हमने कहा देखो सुनो क्या, आपके घर में जितनी प्रॉस्पेरिटी है वो उसके कारण है, तो आप उसकी सेवा करने में कभी कम मत करना। जब हमने कहा तो दोनों की आंखें गीली हो गई, बोले स्वामी जी आपने हमको ऐसी बात बताई कि अब हम कभी भी हमारे द्वारा प्रमाद नहीं होगा। और फिर उन्होंने आगे बात बताई, बोले स्वामी जी आप जो कहते हो अब मुझे समझ में आने लगा। बोले ये इस प्रकार की है, लेकिन जिंदगी में ये कभी बस से नहीं गई, ट्रेन से नहीं गई, हमेशा कार से गई है, हमेशा हवाई जहाज से गई है, और इसको मैगजीन देखने का बड़ा शौक है। कभी कभी कोई देखती मैगजीन, कहती है मैगजीन को देखा और कहती है हे भगवान ये कार मुझे दे दो, हे भगवान ये कार मुझे दे दो। और बोले वो कार हमारे घर में 2 महीने में आ जाती है। कई बार वो मैगजीन खोल के बैठती है और वहां की उसके फर्निशिंग भी अच्छा लगता है उसको, फिर कहती है भगवान मेरा बाथरूम ऐसा बना दो, भगवान मेरा बाथरूम ऐसा बना दो, और सब कुछ हो जाता है उसके लिए। देखो ये सादी बात नहीं है। तो जब हमने उसको बताया तो बोले स्वामी जी आपने उसके बारे में इतनी पक्की बात बताई। हमने कहा देखो ये पिछले जन्म की कोई योग भ्रष्ट होगी, इसीलिए जन्म में आकर के कुछ उसने ना पढ़ा है ना लिखा है, लेकिन जो चाहती है वो हो जाता है। इसीलिए जब तक कि हम ऐसी स्थिति पर नहीं पहुंचते कि हमको कोई चिंता नहीं किसी की, तब तक के अपनी साधना जारी रखनी है। वो क्या साधना करती है? कुछ नहीं, लेकिन उसकी सब सिद्धि होगी, क्योंकि उसको चिंता नहीं है कैसे होगा क्या होगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। एक गाड़ी जिसके लिए उसने प्रार्थना कर रही थी बैठ करके, वो गाड़ी 14 लाख रुपए की, और उसको क्या फर्क पड़ता है 14 लाख रहे 14 करोड़ रहे, भगवान जिसके ट्रेजरर है उसके लिए 14 लाख क्या है। और अपनी लगी रही, वो रोज उठकर के सामने बैठती और भगवान, और उनकी सीधी सीधी हिंदी में प्रार्थना होती है, संस्कृत में नहीं, तो हमें वो माता चाह, उसको हिंदी समझ में आ जाती।
इसीलिए जब तक के ऐसी निश्चिंत स्थिति नहीं आती ना, तब तक के हमको अपनी पूजा पोथी इत्यादि करते रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, फल त्याग। हाँ, लेकिन फल का त्याग करना है। फल का त्याग करना है माने हम जो कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा के संतोष के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। देखो, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो होते सकाम कर्म, दूसरे होते निष्काम कर्म, और तीसरे होते हैं कि जिसके द्वारा भगवान का परितोष हो वो कर्म। सकाम कर्म से छुटकारा पाने के लिए निष्काम कर्म का विधान है, जो कर्मयोग के सिद्धांत को जीवन में लाता है। लेकिन कर्मयोग के सिद्धांत में आने के बाद भी आदमी वही फंस जाता है, इसीलिए उससे भी आगे हट करके सभी के सभी कर्म, यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। तो कर्म में जब निष्कामता आ जाती है, फिर भी एक दोष बना रहता है, और वो कर्तृत्वाभिमान का दोष। और ये कर्तृत्वाभिमान का दोष भी निकल जाता है जब कोई कर्म हम परमात्मा के लिए करे तब। इसीलिए कर्म फल त्याग। हाँ, कर्म फल त्याग का तात्पर्य है जो कर रहे प्रभु के लिए कर रहे। जब आप उसके लिए कर रहे तो कर्म का फल उनके पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। देखो, और भगवान के पास कोई कर्म फल पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो सबके परे है। तो होगा क्या, केवल आपको जीने का आनंद आएगा। उसके बाद तीसरी बात बताते हैं, तद साधनम जो कार्य में हो, जो साधना है उस निश्चिंतता को लाने के लिए उसको अपने जीवन में जारी रखना है, छूटना नहीं। हमने आपको एक बार उदाहरण दिया था जर्मनी का। एक लड़की वहां आई हमारे कैंप में, तीन चार दिन का ध्यान का कैंप था, योगा। वहां कहती है कि स्वामी जी, आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन माय जॉब। वो किसी रेडियो स्टेशन पर अनाउंसर थी। एंड डेडिकेट ऑल माय लाइफ फॉर योगा। आई स्टार्ट ए स्कूल, टीच द पीपल, अर्न मनी आल्सो, टीच देम आल्सो, और मेरा लाइफ भी चलता रहेगा। सो आई वांट योर गाइडेंस। तो मैंने बोला गाइडेंस चाहिए तो सुनने को तैयार हो गया। हाँ, पहला गाइडेंस, नौकरी मत छोड़ो। एक बात याद रखना, आपको यदि किसी शहर में जाकर के अपना कोई काम निकालना हो ना, तो ऐसे आदमी को अप्रोच करो जो सबसे ज्यादा बिजी है। जिस आदमी के पास बहुत टाइम है वो बेकार है, वो किसी कार्य के लिए लायक नहीं है। बड़ा सरल सरल गणित है महाराज। कार्य कर्म हमेशा उसी के पास जाता है कि जो लायक है। ये बात हमने हमारे स्वामी जी से सीखी। सबसे पहले जब हमने एक पुस्तक लिखने का शुरू किया, तो हमने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, हम ये जो है इसको इंग्लिश में लिखे क्या? तो उन्होंने कहा, अभी नहीं, बात नहीं। फिर दो चार के में फिर हमने पूछा, स्वामी जी अब हम लिखे क्या? उन्होंने कहा, देखो, जब हम भगवान के कार्य के लिए लायक हो जाते हैं तो भगवान वह कार्य हमारे पास पहुंचा देता है, और उसको हमने जीवन में पकड़ के रखा है। अब देखो, समझो मुझे कोई काम करना है, करवाना है किसी से, और मैं जानता हूं कि इस व्यक्ति को काम देने से काम का सत्यानाश होता है, तो उस व्यक्ति दूंगा क्या? ऐसे करना है तो काम चाहिए। अच्छा, ऐसे करना, मेरा किचन काफी गड़बड़ हो गया, उसको जरा साफ सफाई कर देना। और वहां गए, किचन को ही साफ कर दिए, सफाई का सवाल ही नहीं। अब ऐसा हुआ तो ऐसे व्यक्ति को कोई काम देगा? नहीं। इसी लायक रहते हैं उतना हमारे पास ज्यादा काम आता है। ध्यान से सुनना, कर्म का त्याग करने का तात्पर्य है कर्म के साथ जुड़ा हुआ कर्तृत्व अभिमान का त्याग करना। इसलिए अपने को जीवन में 24 घंटे में 24 घंटे बिजी रखो।
ये कभी कल्पना मत करना। अब तो हमने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, अब हमको बस भगवान का भजन करना है, ये कभी नहीं होता। तो हमने जब उस अम्मा को कहा कि नौकरी मत छोड़ो, फिर हम लोग कैसे ये योगा की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा तुम जो योगा करती हो कि 24 घंटे पद्मासन में बैठोगी क्या? नहीं, दिन में आधा एक घंटा दो घंटे बस, बाकी अपनी रोटी पानी के लिए पैसा कमाओ, और ये जो तुम योग साधना करके दूसरों को सिखाना चाहती हो उससे पैसा मत कमाओ, फ्री पढ़ाओ। देखो ये जो हमारे शास्त्र है, इसका जो ज्ञान है, ये बेच करके पैसे कमाने का धंधा, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये बहुत महत्व की बात है। इसीलिए अपने जीवन को चलाने के लिए अपने को कार्य करना है, कर्म करना है, और जिंदगी के आखिरी दम तक मेहनत की रोटी खानी है, फिर देखो जीवन में कैसा मजा आता है। अन्यथा आदमी आलसी बन जाता है, और आलसी जो दिमाग है वो शैतान का वर्कशॉप बन जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति खामोखाम स्वयं परेशान, दूसरे को परेशान। इसलिए भगवान यह स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि तत्साधनम च कार्यमेव। भगवान ने हमको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया उसको करो। पुत्र हो तो पुत्र का कार्य, मां बाप हो तो मां बाप का कार्य, उसके बाद सास बहू हो तो सास बहू का कार्य, उसमें लगे रहो, तब जाकर के हमारा अंतकरण भगवान की सेवा कर रहा है। और ये करते करते धीरे धीरे ऐसी निश्चिंतता आ जाती है कि जैसे पका हुआ फल बिना तोड़े वृक्ष से अपने आप अलग हो जाता है, उसी प्रकार से सभी के सभी जितने कर्म है अपने आप जीवन से समाप्त हो जाते। कर्म का जीवन से समापन होना माने निकम्मा होना नहीं है। माते संघा अस्तु अकर्मणि, कर्म का जीवन से निकल जाना माने अंतकरण से कर्तृत्वाभिमान निकल जाना है। और जिसके अंतकरण से कर्तृत्वाभिमान निकल गया है उसके जीवन में थकावट नहीं आती, देखो बोरियत नहीं होती, फल की अपेक्षा से सुख दुख की निर्मिति नहीं होती, और यही भाव बना रहता है कि प्रभु बस ऐसे ही चलती फिरते उठा लो। इसीलिए भैया ये समझ लेना, अपने आप को कभी भी खाली मत रखना। हम इसीलिए वीआरएस के विरुद्ध है, ये जो वीआरएस लेने वाले होते हैं ना, निकम्मे होकर के बैठते हैं, करेंगे कुछ नहीं, घर में लेडीज लोगों का सर खाएंगे, ये क्या किया वो क्या किया ऐसा क्या दिन में क्या क्या क्या, इसके ऊपर गुस्सा उसके ऊपर गुस्सा, ये कोई जीवन हुआ है? अपने जीवन को नित्य निरंतर एकदम बिजी रहे, 24 घंटे में 24 घंटे, जब तक के ये निष्ठा प्राप्त नहीं होती कि आप हम निश्चिंत हो गए। अच्छा, ये होने के पश्चात आगे बात आती है कि यह जो तत्साधनम च कार्यमेव, उस निश्चिंतता की प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। निश्चिंतता की प्राप्ति के लिए साधना करनी क्या चाहिए? पहली बात, संसार के चर्चा से हट जाना है। इसके लिए साधु संत बड़े सुंदर सुंदर उपाय बताते हैं। पहला उपाय यह है, वहां से उठ के चले जाओ। लेकिन आपके यहां कोई आके बैठा हो तो आप कहां जाओगे? जाऊं तो जाऊं कहां? तो क्या करें? उस विषय का समर्थन ना करे, उस विषय को आगे ना बढ़ावे, एकदम वहां कट इन द फर्स्ट स्ट्रोक। अन्यथा हम इस अनावश्यक बातों में फंस जाते हैं। जैसे कई बार लोग आकर के इस प्रकार के प्रश्न आते। एक बार बेंगलोर की बात है, वहां एक कैंप हो रहा था, काफी लोग थे, 1000-2000, और वहां प्रश्नोत्तरी का सेशन था। वहां हम थे और दो चार लोग और थे, पढ़े लिखे कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह वगैरह। अब वो प्रश्नोत्तरी चल रही है, किसने कुछ पूछा वो दे रहे दे रहे। एक प्रश्न आया,
राम जन्मभूमि के बारे में आपका क्या मत है? ये जब प्रश्न आया तो उन्होंने कहा, अब राम जन्मभूमि के बारे में हमारे स्वामी जी से बढ़कर के और कौन बता सकता है? पहले के जो यूजलेस प्रश्न थे वो तो उन्होंने कर लिए। जैसे टीचर जो होते हैं ना, जब पढ़ाते हैं तो सिंपल सिंपल उदाहरण से पढ़ाते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट बच्चों को देते हैं, वैसा ही उन्होंने किया। तो जब ऐसा हुआ तो हमने कहा, देखो जीवन में इस दुनिया की प्रत्येक समस्या, प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु, हर एक को लेकर के कोई ना कोई ओपिनियन होना ही चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सिद्धांत समझ में आ गया? यस। अब देखो ये जो राम जन्मभूमि है इसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं, खत्म। बंबई की भाषा में खल्लास। डोंट एनकरेज फर्दर। अब इसमें देखो कैसे लोग फंसते हैं। हम गए थे हॉलैंड, वहां ये सूर्यनामी लोग बहुत है। सूर्यनामी लोग है कि जो 300-400 साल पहले बिहार यूपी से चले गए थे खेती करने के लिए मजदूर के रूप में। अब वहां जाने के बाद अब धीरे धीरे वहां के हो गए तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन चल रही है, और वहां झगड़े चलते हैं रेडियो पर, आज की एकादशी करनी है कि कल की एकादशी करनी है, बड़ी समस्या है, भयानक, कौन सी एकादशी करनी। तो हम वहां गए, एकादशी थी, और हमको पूछा, स्वामी जी ये हमारे स्टूडियो में स्वामी जी पधारे हैं भारतवर्ष से, और हम लोगों को बड़ी खुशी है, और हम लोगों की समस्या का समाधान स्वामी जी करेंगे। और पहले ही उसने मुझे बता दिया था कि स्वामी जी मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगा, आप इसका ये उत्तर देना है। ठीक है, मुझे तो टाइम पास करना है। तो उसने पूछा कि स्वामी जी महाराज, ये जो दो एकादशी आई हुई है इसमें से कई लोगों का मत ये है कि पहली एकादशी करनी है, कई का दूसरी एकादशी करनी है, तो आप भारतवर्ष से आए हुए हैं और आप इस विचार के प्रकांड प्रज्ञानवान है, इसीलिए आप बताइए दो में से कौन सी एकादशी करें। उसने पहले बताया था कि आप दूसरी कह देना, तो मैंने कहा दूसरी करो, हो गया उत्तर। अब असल बात क्या है कि मैंने आज तक एकादशी नहीं करी क्योंकि मेरा सिद्धांत बड़ा सरल है, पेट को भर के रखो, दिमाग के खाली रखो। क्या करो एकादशी करके? एकादशी खाने वाले करने वाले का ध्यान द्वादशी पर रहता है इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना। तो करना क्या है, जिसके द्वारा ये सांसारिक बातें बढ़ेगी उससे भागो, किसी के विरोध में, डिस्कशन में, आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए। श्री हरि बाबा जी महाराज से कोई लौकिक चर्चा करने लगते तो उठकर चल देंगे, न उस बात को सुनेंगे, न कुछ उसे सुनावेंगे। कुछ महात्मा कहते हैं कि संसार की चर्चा में क्या रखा है, भगवान की चर्चा करो। इसलिए यह देखो कि जो तुम्हारे समीप आता है वह तुम्हारे चित्त में श्रद्धा भरता है या शंका। यदि वह शंका, अविश्वास, द्वेष, घृणा भरता है तो वह आपका शत्रु है। ध्यान से सुनना, जिसके कारण आपके अंतकरण में विक्षेप होते हैं उससे आप बचो, उसको सुधारने का प्रयत्न मत करो। अभी हम गए थे हमारे घर के सामने, वो कारपेट पर एक सांप बैठा हुआ था, हमारा ध्यान ही नहीं, हम उसको कारपेट को ठीक करने लगे तो अरे सामने सांप बैठा है। अब उस सांप को ठीक करें कि हम अपने को बचावे? देखो ये दुनिया तो ऐसी ही रहेगी, अपने को बचा के चलो, अन्यथा हमने अपने मन के शांति को खो दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते जगत में। और जहां तक के दूसरे के मन की बात है, दूसरे के दिल को मत दुखाओ, सबका भला करो, भगवान भी ये करने में असफल हुए। देखो भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वसाक्षी है, सब कुछ जानते हैं, वो भी सबका भला नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते कहां है कि अपना भला हो,
हम तो चाहते हैं कि हमारे कहने के अनुसार भगवान चले, भले उसमें हमारा सत्यानाश हो जाए। इसलिए यदि यह शंका अविश्वास द्वेष घृणा भरता है तो वो शत्रु है। उसके बात सुनकर के दुख पाओगे। दुकान पर कोई ग्राहक आया तो इतना ही देखो कि उसके साथ सौदा करने पर लाभ होता है कि हानि। पक्के सिंधी बन जाओ। जो आदमी सिंधी बन सकता है वो प्रभु को पा सकता है। वो हर जगह जाकर के इसमें अपने को लाभ कहने हटो, कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तुम दुकान पर तो लाभ हानि देखते हो, किंतु कोई मनुष्य बात करने आया तो नहीं देखते कि ये तुम्हारे हृदय को कैसे बना रहा है। ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति के बातचीत से, जिस व्यक्ति के संपर्क से, जिस व्यक्ति के कंपनी से आपका मन किसी भी कारण से गड़बड़ हो रहा हो तो या तो भागो या तो भगाओ। ये दोनों को भगवान कहते हैं, या तो भागो या तो भगाओ, अन्यथा हम अपने को नहीं रखेंगे। और जो तुमको श्रद्धा वैराग्य भक्ति भगवान का अनुभव देता है वही लाभ देता है। इसके विपरीत जो भ्रांति संशय मोह क्रोध घृणा राग देता है वो हानि देता है। इसलिए जगत में रहते समय साधना क्या है निश्चिंतता की, अपने अंतकरण को शांत प्रसन्न रखना। हमारा सिद्धांत इसके आगे जाकर के एक स्टेप है। वो सिद्धांत ये है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जिसके कारण आपके अंतकरण की प्रसन्नता में खोट आती है हटो। बिल्कुल स्पष्ट, यदि आप किसी मंदिर में गए और वहां जाने के बाद किसी कारण आपके मन में एक खड़बड़ होने लगी, मंदिर में मत जाओ, अपने मन को बचा के रखो। सबसे पवित्र, सबसे मूल्यवान, सबसे आवश्यक स्थान यदि जगत में कोई है तो अपना मन। और ये इस मन को हम बचा के रखेंगे तो सब साधना ठीक चल रही है। अब किस किस कारण से मन में कालुष्य मालिन्य आता है उसके बारे में 63वें सूत्र में कहते हैं, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। ये जो चार शब्द है ये पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक माने टेक्निकल टर्म्स, फिर ऐसा हिंदी में बोलो ना। तो ये कौन सी है पारिभाषिक शब्द? पहले है स्त्री, दूसरा है धन, तीसरा है नास्तिक और चौथा है वैरी। स्त्री शब्द का अर्थ है कि जिस जीवन में या जिस व्यक्ति के जीवन में वस्तुओं का प्राधान्य होता है वह स्त्री है। देखो, दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स। आप देखेंगे घरों में जितना सामान इकट्ठा होता है उसमें से 99% सामान स्त्रियों ने इकट्ठा किया होता है। उसमें एक सामान ये भी है कि जिसको हस्बैंड कहते तो ये सामान इकट्ठा करने की प्रवृत्ति जिसकी है वो स्त्री है। और जो स्त्री होगी वो गर्म होगी और पूरा जीवन इसी में लग जाता है, ये इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। तो जिसके कारण हम भौतिकवादी बनते हैं, जिसके कारण हम इस जगत में संग्रह करने में तुले हैं, उससे अपने आप को बचाओ। न श्रवणीयम। अब आप देखो, एक बार की बात है, एक अम्मा टीवी देख रही थी और स्काई शॉपिंग चल रहा था और उसमें बताया ये मैग्नेटिक बेल्ट अपने घुटने में कमर में लगाओ तो उसके द्वारा दर्द कम हो जाता है। नॉर्मल कीमत 5,000, यहां खरीदोगे तो 2,000 या 1,500 ऐसा कुछ। तो
तो उसने तुरंत नंबर कर ले लिया, फोन नंबर, और उसको बोल दिया कि भाई मुझे चाहिए, मुझे तुरंत भेज दो, अपना एड्रेस दे दिया, और वो दूसरे दिन सामान लेके आया, उसको पैसे दिया, वो रिसीट ले लिया। उसने कहा कि देखो भाई आप इस रिसीट के नंबर को आप चाहो तो रजिस्टर करो, क्योंकि इसमें प्राइजेस भी है ड्रॉ के साथ। तो उस अम्मा ने कहा कि ये बकवास होती। बोले नहीं बकवास हो, आपको क्या जाता है, आप हम आपकी परमिशन चाहते हैं, ये रिसीट नंबर हम उस पर एंटर कर। बोले कर दो। रिसीट उसने रख ली, नंबर रख लिया। उसके बाद उनका उसमें प्राइज निकला। क्या प्राइज निकला? उनको एक माइक्रोवेव मिल गई, 1500 का वो बेल्ट लिया और 7000 की माइक्रोवेव मिल गई। अब वो उनके पास आ गई, आने के जैसे आ गया लेनी है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरे पास ऑलरेडी माइक्रोवेव है, ऐसे करती हूँ मैं आपको भेज देती हूँ, वो मेरे पास पहुंची, और मैं माइक्रोवेव का विरोधी हूँ, मुझे उसमें कोई लेना देना है। आपको मालूम है ना माइक्रोवेव का हम विरोध क्यों करते हैं? माइक्रोवेव का सिद्धांत ये है कि प्रत्येक वस्तु के जो अणु होते हैं उनको ये स्पेशल किरणों के द्वारा इतने विक्षेपित करते हैं कि जिस विक्षेप के कारण प्रत्येक अणु में जो निहित शक्ति है, ऊष्मा है, गर्मी है, वो बाहर आती है। जैसे आदमी को जब ठंड लगती है तो क्या होता है, हम बहुत जोर से करते, उसके द्वारा अपने देह की जो गर्मी है बाहर आती है और हमको ठंड से छुटकारा मिलता है। यही बात उन वस्तुओं के साथ होती है। तो उसमें आप कोई पदार्थ गर्म करो तो उस पदार्थ में से गर्मी निकल गई तो क्या बचा? मुर्दा। और ये माइक्रोवेव का जो खाना गर्म करके खाते हैं वो केवल मुर्दा खाते, जिंदा खाना नहीं खाते। तो वो हमारे पास आ गई। हमने कहा रे बाप रे, अभी इस कचरे को मैं क्या करूं? कुछ दिनों के लिए उसको मैंने स्टोर के लिए रख दिया, सामान रखने के लिए वगैरह। और उसके बाद फिर एक को पकड़ा, हमने कहा देखो मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। ने क्या है स्वामी जी? मैंने बोला कि ओ आई एम सो थैंक यू स्वामी जी, आई वाज थिंकिंग टू बाय सिट्रिक वन। जितना दुनिया में सामान इकट्ठा करोगे उतना आपका स्त्री व्यक्तित्व है, स्त्री। दूसरा धन। धन कहते हैं जिसके द्वारा हम ये कल्पना करते हैं कि हम सिक्योर है, इसके द्वारा सिक्योरिटी होगी। जैसे एक आदमी आता है किसी गांव से बंबई में, आने के बाद पेड़ के नीचे, पुल के नीचे कहीं भी हो जाए तो उसी में बड़ा सिक्योर मानता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर एक झोपड़पट्टी में जाता है, वहां सिक्योर मानता है, फिर एक छोटा सा मकान, वहां सिक्योर मानता है, फिर बड़ा, फिर कफ परड़ में जाता है कफ करने के लिए अस्थमा के साथ, फिर वहां काफी नहीं है, फिर एक वहां भी होना चाहिए, एक लोनावला में लेना चाहिए। लोनावला में 90% फ्लैट्स ऐसे है कि जिसमें चौकीदार और माली और मच्छर, इसकी सेवा कोई नहीं रहता। लेकिन वही सिक्योरिटी की कल्पना, इतनी बातें हो तो हम सिक्योर है। तो स्त्री, धन। तीसरी बात नास्तिक। नास्तिक का तात्पर्य है जिसके हृदय में ये अहंकार बना हुआ है, जो कुछ है मैं अपने से करता हूं। देखो यदि हम आप देख लेना अपने मन को, ये जो दलाल स्ट्रीट पर ये खेलने वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सट्टा लगाते हैं, उनके साथ 4-6 दिन रह करके देखो आप, आपके मन का एकदम पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसी प्रकार से पॉलिटिशियन लोगों के साथ रहो, उसी प्रकार से कोई किसी इंस्टीट्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी उसके साथ रहो, वो इसके कुछ कुछ दूसरा कोई विषय है ही नहीं। और यदि आप किसी भगवान के भक्त के साथ रहो तो आपके मन में अपने आप वैसे भाव आने लग जाते हैं। इसीलिए नास्तिक का तात्पर्य है जो परमात्मा की छोड़कर के कोई भी चर्चा करता हो वो नास्तिक, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो स्त्री, धन, नास्तिक, और चौथी बात शत्रु। देखो शत्रु किसको कहते हैं? जो हमारे हृदय में प्रवेश करने के बाद हमारे हृदय के शांति को नष्ट करता है वो शत्रु है।
उदाहरण के लिए आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के बड़े चिंता करते हो तो बच्चा आपका शत्रु बन गया। इस परिभाषा को ठीक से समझ लेना। शत्रु का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी, असली शत्रु बाहर नहीं होते, असली शत्रु घर में ही होते। हम अपनी बीवी के कारण जितने दुखी होते दूसरे की बीवी के कारण नहीं होते। हम अपने बच्चों के कारण जितने दुखी होते दूसरे बच्चों के कारण दुखी नहीं होते। इसीलिए अपने अंतकरण में यह वैर भाव को जागृत नहीं होने देना। और वैर भाव किसको कहते हैं? जिसके कारण अंतकरण की शांति भंग हो वह हमारा वैरी है। बड़ी सरल सरल परिभाषा हमने आपको बताई। बाकी अनेक प्रकार के विचार स्वामी जी ने दिए हैं, जैसा जैसा आपको समय मिला जरूर पढ़ना। स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम अश्रवणीयम, इस पे मत लगो। अच्छा, अब ये नहीं करने के बाद ये तो जगत के साथ संबंध रखते समय की प्रक्रिया बताई। अब बाहर ही परेशानी नहीं होती, परेशानी अंदर भी होती। क्या है अंदर की परेशानी? उसका भी त्याग करना है। अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। अब बाह्य आचरण तो हमने सुधार लिया, अब अंतकरण का आचरण। पहला आचरण क्या है? अभिमान दंभ आदिकम त्याज्यम। अब अभिमान को जरा ठीक से समझ लेना। व्यक्ति को जैसे अपने बुराई का अभिमान होता है वैसे अच्छाई का भी होता है। जैसे अमीरी का अभिमान होता है वैसे गरीबी का भी अभिमान होता है। व्यक्ति को जैसे सद्गुणों का अभिमान होता है वैसे दुर्गुणों का भी अभिमान होता है। तो ये मत समझ लेना कि अभिमान केवल बुरी ही बातों का होता है, अच्छाई का भी अभिमान होता है। जैसे कई लोगों का अभिमान होता है, जब मैं घर में आता हूं ना सब कांपते, उनको मालूम है पापा आ गए हैं, अब शांति चाहिए नहीं तो पिटाई होगी। तो अपने इस गुस्से का ये कोई अभिमान करने की बात है? शर्म की बात है ना, उसमें आदमी को अभिमान होता है। और दूसरे को दूसरे प्रकार का अभिमान। हम तो एकदम निरभिमानी है। एक बार एक सज्जन हमको बताया था, स्वामी जी ये कई बार लोग आकर के सत्संग में सामने सामने बैठते हैं ना, हम ऐसे नहीं, हम तो पीछे बैठते हैं एकदम जूतों के पास, हम बिल्कुल निर्भिमानी है। तो हमने हंस दिए। क्यों हंस क्यों दिए? हमने कहा पता नहीं आप निर्भिमानी है इसलिए जूतों के पास बैठते हैं कि जूता कोई चुरा के न ले जाए। देखो जूते के पास बैठने का मतलब निर्भिमानी नहीं होता। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अभिमानी है उसके क्या लक्षण है? पहला और अंतिम लक्षण, वह व्यक्ति क्षण क्षण में दुखी होता है। दुख की चोट केवल अभिमान पर पड़ती है। देखो जहां आप दुखी हो गए समझ लेना आपके अभिमान पर किसी ने हमला बोल दिया है। इसीलिए अभिमानादिकम त्याज्यम माने जीवन में जितने ज्यादा दुखी होंगे उतना हमारा अभिमान तगड़ा है, और जितना हम कम दुखी होंगे उतना अभिमान कम है। भगवान में अभिमान है ही नहीं, इसीलिए परमानंद स्वरूप है। दुख नहीं। कुंती माता के वचन बताते हैं भागवत में, उच्च कुल में जन्म होने से, बहुत अधिकार मिल जाने से, बहुत पढ़ लेने से अथवा बहुत धन होने से जिन पुरुषों का अभिमान बढ़ गया है वे तो अकिंचनों को दर्शन देने वाले आप भगवान का नाम लेने के भी अधिकारी नहीं है। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति अभिमान से एकदम कलुषित हो चुका है ऐसे व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। देखो आप कहीं भी जाओ तो आपको दिखने में मिलेगा ये, लेकिन देखने के लिए मत जाना। एक बात याद रखना, जगत में जो भी कुछ हम देखते हैं ना
किसी की बुराई देखी और उसको बुरा कहा तो वो बुराई आपके हृदय में प्रवेश कर गई। किसी की बुराई देखी और उसके बुराई से आपने सीखा कि ये बुराई किस प्रकार से हानिकारक है और इसीलिए ये बुराई भगवान मुझमें मत आने दो, ये आपका अभाव बना, तो उस बुराई को देखने के बाद आप साधना कर रहे हो। देखो बहुत महत्व की बात है। जैसे आपने आप कहीं गए और देखा कहीं सत्संग हो रहा है और आपने देखा होगा कई प्रकार के महात्मा होते हैं, कई लोगों को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए और कई लोगों को कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पिन ड्रॉप साइलेंस वाले महात्मा होते हैं उनको देखकर के लोग बड़े घबराते हैं, एकदम वो गुस्सा कर जाएंगे, एकदम विश्वामित्र के जैसा। तो उसको लेकर के फिर क्या करना है, उस महात्मा के प्रति मन में द्वेष आवे नहीं। फिर अब जब वो गुस्सा करते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो क्या करना है, हम अपने जीवन से गुस्से को निकाल डाले। कारण क्या, उस महात्मा ने उस गुस्सा करने का नाटक इसलिए किया ताकि हम सीख सके। देखो महाराज, विचार की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, किसी के गुस्से को कह करके उसको तिरस्कृत करना, अच्छा बुरा कहना, ये साधक का काम नहीं है। बंबई की बात है, पहले किसी महात्मा के लेक्चर हुए 7 दिन तक, दूसरे दिन से हमारे लेक्चर शुरू हुए और भाईदास हॉल में थी बात है शायद, लेक्चर शुरू हो गए। हमारे लेक्चर में कोई कभी भी आओ कभी भी जाओ, हमारा धुमधड़ाका चलता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे, हमको भी उनको कोई फर्क पड़ता, तो सब बिल्कुल बिन फर्क वाले हैं, सभी टाइम पास कर रहे आके बैठते। तो दूसरे या तीसरे दिन एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी आपके पहले जो है ना ऐसे ऐसे स्वामी जी आ गए। अरे बाप रे, उनके लेक्चर में बताते तो सब कुछ ठीक है वो, लेकिन सभी के सभी लोग बैठ करके ऐसे कांपते हैं, कहीं गुस्सा ना कर जाए, किसी को खांसी भी आती है तो वो खांसी को पकड़ के रखता है, क्योंकि ज्यादा खांसे तो वो डांटते हैं, कोई बीच में उठ के गया उधर उधर में तो उसको डांटते हैं। तो सभी लोग बैठते हैं लेकिन घबरा घबरा के बैठे और बोले आप गुस्सा क्यों नहीं करते, वो ऐसा क्यों गुस्सा करते। हमने कहा प्रभु आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं थैंक यू, लेकिन इसमें आपकी हानि हो रही है। कैसे, हमने कहा आप सीखते क्यों नहीं हो कुछ इस बात से। आपको जब ये पता चला कि उनके गुस्से के कारण प्रसन्नता नहीं रहती तो आपने अपने जीवन में सीखा क्या कि हम गुस्से का हमेशा के लिए त्याग कर देंगे। यदि आपने सीखा तो उस महात्मा ने जो गुस्सा करने का नाटक किया था वो सफल हुआ है। जो गुस्सा करता वो महात्मा नहीं होता है, महात्मा लोग गुस्से का नाटक करते हैं लेकिन हमको लगता है कि वो गुस्सा कर रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन की जो सीखने की प्रक्रिया, वंदना करे अभिमान दम्भादिकम त्याज्यम, तो अभिमान का त्याग करना है, इसका तात्पर्य है हमको सीखना है। बाबा जो व्यक्ति सीखना चाहता है उसको अभिमान हो ही नहीं सकता और जो अभिमानी है वो सीख नहीं सकता। एक बार एक सज्जन हमको मिले, एक स्वामी जी मिले, ऋषिकेश की बात है और काफी बड़े हैं, अच्छे हैं। एक बार आकर के हमको कहते स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्हें कहो महाराज आज्ञा करो, हम आपकी सेवा में। उसके बाद हमको कहते नहीं बाद में अलग से बात करेंगे। हमने कहा कि ये गृहस्थ लोग ही अलग से बात करते हैं, बाबा जी को क्या अलग से बात करनी होती है, वो भी बेकार हम भी बेकार, क्या बात कर ले। और बाद में हमको कहते कि स्वामी जी हमारी इच्छा है हम आपके पास आके रहे और कुछ सीखे, हमको बहुत सीखने की इच्छा है, लेकिन क्या होता है हम आपको स्पष्ट बताते हैं। क्या होता है, बोले जब सब लोग बैठते हैं उनके साथ बैठ करके मैं भी सीखूं, ये बात मुझे बड़ी खटकती है। देखो कितनी मुश्किल हो जाती है, जिसके हृदय में अभिमान हो ना वो व्यक्ति सीख नहीं सकता, और यदि सीखना है तो अभिमान का त्याग करना चाहिए।
और सीखना किसी से? गुरु से, शास्त्रों से नहीं, अपने जीवन से सीखना है। और अपने जीवन से जिसने सीखना प्रारंभ कर दिया उसको पहली सीख यही मिलेगी, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न कान। अभिमान भी बना रहे और प्रेम का रस भी चखना चाहे, दोनों बात साथ में नहीं होती। जहां हमने अपने अभिमान का त्याग कर दिया उसी क्षण से जीवन में रस आने लग जाता है। जहां हमने अपने आप को बचा के रखा है ये ऐसा कैसा, वो ऐसा कैसा, आपकी जीवन का रस खत्म हो जाएगा। इसलिए अभिमान दंभाधिकम त्याज्यम। अच्छा, दंभ किसको कहते हैं? दंभ कहते हैं इस प्रार्थना को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। भगवान मुझे लॉटरी लग जाए, इसको दंभ कहते। तेरा तुझको अर्पण सब लागे मेरा। शास्त्र में ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं, मनस्यन्यत वचसन्यत कर्मण्यत दुरात्मना, जो दुरात्मा है माने जो दंभी है, उनका क्या है? मन में एक बात होती है, वाणी में एक बात होती है, कर्म में एक बात होती है, उनमें पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेशन है। और जो महात्मा है उनका कैसा है? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। जो मन में है वही वाणी में है, जो वाणी में है वही कर्म में है। इसीलिए दंभ वो है कि जो हम नहीं है वो दिखाने का जो नाटक है उसको दंभ कहते। आप ध्यान से सुनना, इस परिभाषा के अनुसार हम सभी के सभी महादंभी है। कैसे सभी के सभी महादंभी है? हम है सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा, और नाटक क्या करते हैं? हम दुखी है स्वामी जी, काम कर दंभ कर रहे हो। जिस व्यक्ति का दंभ पकड़ में आ गया उस व्यक्ति के साथ आप कैसे व्यवहार करोगे? यही दंभ लोगों का साधु संतों के पकड़ में आ जाता है। इसीलिए उनके पास आकर के ये जो रोने धोने वाले होते हैं ना, उनको लेकर के साधु संत कभी रोते धोते नहीं। कारण क्या है? दंभी है। दिखाते हैं कि हम बड़े दुखी, कोई दुखी विखी नहीं है। एक बार इस बात को पहचानो। दंभ किसको कहते हैं? एक जगह महाराज जी एक कहानी बताते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में सभी देवता लोग बैठे हैं, सभी ऋषि मुनि बैठे हैं, और जैसे ब्रह्मा जी आ गए सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बैठने के बाद सब विराजमान हो गए। अब जैसे सभा शुरू ही होने वाली थी उतने में एक और आ गया, छोटा सा नाटा, इसकी मोटाई छोटा सा आ गया, हाथ में कमंडल लिए है और धर्व ग्रास घास लिए हुए है, और आया। आने के बाद ना किसी को नमस्कार, ना किसी को आदर, ना किसी को कुछ। तो सबने सोचा कोई बहुत बड़ा होगा इसीलिए किसी को नमस्कार नहीं कर रहे, सब खड़े हो गए। फिर भी इसने किसी को नमस्कार नहीं किया। अब बैठने के लिए कहां बैठे, कोई भी स्थान उनको बैठने के लिए योग्य नहीं लगा। तो फिर जाकर के सबको उसने ऐसा कर दिया, बैठो। सब बैठ गए और ब्रह्मा जी की गोद में जाके बैठा। और ब्रह्मा जी की गोद में जब जाके बैठा तब अपने कमंडलों से पानी निकाल करके ब्रह्मा जी की गोद को पवित्र कर लिया। और उसके बाद जाकर के उनके गोद में बैठ लिया। अच्छा, उनके गोद में बैठने के पश्चात ब्रह्मा जी को कहते, नाक संभालो, तुम्हारे नाक की अपवित्र जो वायु है मुझे स्पर्श कर रही है,
उसके द्वारा मैं कलुषित हो रहा हूं। जब ऐसी बात करी, ब्रह्मा जी कहे आए कौन है, मेरे सृष्टि का है क्या? कौन हो सकता कि जो मेरे सास को अपवित्र कह रहा है, हो कौन सकता है? तो उन्होंने ध्यान लगाया और पता चला, अरे दंभ तू आया क्या? जो दंभी होता है ना, वो होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। आमदानी रुपया क्या, खर्चा रुपया, आमदानी अटली। ये जो दंभ है त्याजम। अब दंभ का त्याग का त्याग का तात्पर्य समझ लो। दंभ के त्याग का तात्पर्य एक है, अपने जीवन में किसी भी चीज का समर्थन मत करो, किसी चीज को जताओ मत। दो बातें, जहां हम किसी बात का समर्थन करते हैं वहां हमको अपने ही कर्म पर क्रिया पर संदेह होता है। देखो, यदि आप बिल्कुल दंभ रहित जीवन जी रहे हो तो आपको कोई जस्टिफाई करने की किसी की जरूरत नहीं। जहां जहां हम जस्ट एक्चुअली आई वॉज कमिंग लेट नो ऑन टाइम, व्हाट डिड हैपेंड, किसने पूछा? कोई जरूरत नहीं। जब आपको मालूम है आप जो आए हैं उसमें लेट आने में आपका कोई भी सहयोग नहीं है, तो काहे को जस्टिफाई करे? लेकिन जब आदमी अपनी ही किसी कर्म को लेकर के ग्लानी का अनुभव करता है तब जाकर के जस्टिफाई करता है। बहुत महत्व की बात है। एक दो उदाहरण दे हम आपको। बोरीवली में हमारे लेक्चर थे, उन दिनों में वो फ्लाईओवर नहीं बने थे और हम लोग हमेशा गणित करके जाते ताकि हमको वो फाटक खुला मिल जाए, टाइम से पहुंच जाए। चार पांच बार तो एकदम ठीक से गणित बना, एक बार थोड़ा गणित चुक गया और वो फाटक गिर गया। अब जाने के लिए कोई सवाल नहीं, आधा घंटा रुकना है। अब जो हमको सज्जन ले गए थे, बोले स्वामी जी अब लेटर क्या हो गया, अब ऐसे करता हूं मैं गाड़ी यहां छोड़ता हूं, हम लोग क्रॉस करके चले जाएंगे और वहां से फिर दूसरी रिक्शा लेंगे, ये करेंगे। हमने कहा लेक्चर आपको देना है क्या? बोले नहीं। किसको देना है? आपको। बोले मैं जब शांत हूं आप क्यों क्यों परेशान, शांत रहो। हम लोग जानबूझ के लेट जा रहे क्या? नहीं, आज तक आए क्या लेट? नहीं। हमने कहा जरा शांत रहो, किसी भी हालत में अपने मन को मत बिगाड़ो। तो फिर हम गए आधा घंटा लेट। आधा घंटा लेट होने के बाद बोले स्वामी जी मैं जाकर के माइक से बोल देता हूं कि हम लोग क्यों लेट हुए। हमने कहा यदि आप बोलोगे तो मैं लेक्चर नहीं दूंगा। आपको व्यासपीठ पर जाने का अधिकार किसने दिया है? मत जाओ। यदि आप गाओ जाओगे तो मैं नहीं बोलूंगा। उनको बड़ा गुस्सा है, स्वामी जी पता नहीं कैसे आप। मैंने बोला मैं एबनॉर्मल हूं, क्या करूं। उसके बाद हम गए वहां, लेक्चर शुरू हुआ आराम से प्रेम से, और जितना आधा घंटा लेट हुआ था हमने आधा घंटा आगे ले लिया, पता ही नहीं चला किसको, और सब कुछ शांत हो गया, कहीं परेशानी नहीं। और जब सब कुछ हो गया, स्वामी जी अब मुझे शांति मिली, मैं तो इतना एक्साइट हो गया था, इतना डिस्टर्ब हो गया था। हमने कहा ये इसलिए होता है कि तुमको लगता है कि मैं स्वामी जी को ले आ रहा हूं और मैं स्वामी जी को लेक्चर दिलवा रहा हूं और मेरे कारण ये सब आयोजन हुआ है। एक बात याद रखो, ये सब कुछ चल रहा है ना प्रभु के इच्छा के अनुसार चल रहा है। देखो, अभिमान दंभाधिकम त्याज्यम। इस दंभ में हम कभी ना पड़े कि हम बड़े 30 मार्क आए, नहीं। तो अभिमान दंभाधिकम त्याज्यम, दंभ का आदिकम और उसके साथी। और दंभक के साथी क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ गर्व, अनेक प्रकार की ईषणाएं, ये सभी के सभी उसके साथी है। उनका सबका त्याग करना है क्योंकि यही हमको जीवन में अत्यंत दुखी बनाते हैं। अच्छा महाराज, दंभ की एक बात ऐसी और भी है कि जो दंभी है दूसरे के दुर्गुणों को तुरंत पहचानता है और अपने सद्गुणों को तुरंत बखान करता है। उदाहरण दो आपको मैं,
शास्त्र कहते हैं धर्म का स्थान अपने छाती पर होता है और अधर्म का स्थान अपने पीठ पर होता है। ये धर्मशास्त्र के अनुसार स्थान है हर एक चीज के, तो धर्म हमारे छाती पर होता है। तो जो धर्मात्मा होते हैं ना, जिन्होंने कुछ दान धर्म किया है, देखो कैसे अपना धर्म का प्रदर्शन करने के लिए। और जब हम किसी व्यक्ति के पीछे जाते हैं तो हमको क्या दिखता है? उसका अधर्म, धर्म नहीं दिखता। और फिर दूसरे के दोष तुरंत नजर आते हैं और अपनी अच्छाई वो तुरंत नजर आती है। इस प्रकार से अपने अच्छाई को देखना और दूसरे के दोष को देखना और अपनी बुराई को न देखना और दूसरे की अच्छाई को न देखना, इससे बढ़कर के और कोई दंभ नहीं है। इसलिए अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। अब ये जो आदिक है, आदिक महाराज, उसके बारे में 65वें सूत्र में बताते हैं, तदर्पित अखिलाचारः सन् काम क्रोध अभिमानादिकम् तस्मिन्नेव करणीयम्। यहां एक सिद्धांत बताया है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया बताई। सिद्धांत क्या है? तद अर्पित अखिलाचारः सन्। हमको पहले बताया था ना कि नारदस्तु तद अर्पिता अखिलाचारः तद विरोधीषु उदासीनता च। नारद जी ने अपना रूप बताया, अपना ओपिनियन बताया था। इसी प्रकार से कहते हैं तद अर्पित अखिलाचारः सन्। यदि आपने इस निश्चय के दार्ढ्य को हृदय में स्वीकार किया है कि भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ हो गई, इसका लक्षण क्या है कि हमने अपने अखिल आचार परमात्मा को समर्पित कर दिए। तद अर्पित अखिलाचार आसन, यदि आपने ये कर दिए है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसका भी आधार वही परमात्मा होगा। देखो साधारण व्यक्ति के जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जगत के वस्तुओं को लेकर के होता है, जगत के व्यक्तियों को लेकर के होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक वृत्ति जो है वो सगर्भा वृत्ति होती है। वृत्ति किसको कहते हैं? मन। और उस मन में जिस वस्तु के प्रति काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब मन के जिस भाग पर पड़ता है, मन के उस भाग को कहते हैं वृत्ति। देखो मन में सभी ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन जो चक्षुरिंद्रिय है आंख, वो केवल इस गोलक से ही अभिव्यक्त होती है। इसीलिए हम कहेंगे आंख केवल आंख से ही देख सकती है, दर्शन केवल दृष्टि से ही हो सकता है। इसी प्रकार से मन और मन का वह भाग जहां वह वस्तु या व्यक्ति, वह देश या वह काल, वह परिस्थिति जिसके प्रति राग द्वेष काम क्रोध मोह इत्यादि है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है, उस मन के क्षेत्र को वृत्ति कहते हैं। और इसीलिए हर एक वृत्ति सगर्भा होती है। सगर्भा माने वृत्ति के गर्भ में वह वस्तु रहती है। अब देखो हमारे मन में जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति काम क्रोध लोभ मोह होगा तो क्या होगा? वस्तु जगत की अनेक है, तो उन अनेक वस्तुओं का हमारे हृदय में एकदम बाजार लग जाएगा, क्योंकि वस्तु तो एक है नहीं। और उसके कारण होगा क्या कि हमारा जो अंतकरण है ये एकदम बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा। फिर किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति लोभ है, किसी के प्रति तिरस्कार है, कहीं हानि दिखती है, कहीं लाभ दिखता है। इस प्रकार से हमारा अंतकरण इस जगत को अपने गर्भ में जब स्वीकार करता है तो संसार प्रारंभ हो जाता है।
अब करना क्या है? हम तो अपने अंतकरण से काम क्रोध लोभ नहीं निकाल सकते, नेवर माइंड, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? अपने अंतकरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मत निकालो। फिर काम करना है, कामना हुई तो भगवान की, क्रोध आया तो भगवान से, लोभ आया तो भगवान से। तो यहां काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भगवान से कैसा करे, ये हमको सीखना है। इसको सीखने से देख लेना आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जबरदस्त हो जाती है। वो क्या है, कैसा है, इसके बारे में विचार हम अगले सत्र में करेंगे। श्री कृष्णा नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।